वावे का सब ब्रांड ऑनर इंडिया में कुछ दिनों में ही अपना एक लेटेस्ट स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है ऑनर व्यू 20। और इस फोन ने रिलीज होने से पहले ही काफी ज्यादा हाइप जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। टेक कम्युनिटी में भी इसकी काफी ज्यादा चर्चा है। वेल यूएस वगैरह में नहीं, क्योंकि वावे जो है उसका कुछ लीगल इशू है, वो वहां पर अपने डिवाइसेस सेल नहीं कर सकता। एटलीस्ट इंडियन टेक कम्युनिटी में इसकी काफी ज्यादा चर्चा है। और वेल इसके तीन मेन रीजंस है। सबसे पहला जो है वो है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर आपको एक पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, जिसके कई सारे लीक्स हमें रिसेंट टाइम्स में देखने को मिले हैं अलग अलग डिवाइसेस के। सबसे प्रोमिनेंट जो रहा है वो रहा है सैमसंग का गैलेक्सी S10। दूसरा जो मेन रीजन है वो है इसका 48 मेगापिक्सल वाला रियर कैमरा। और जो तीसरा मेन एस्पेक्ट है वो है किरिन 980 प्रोसेसर का यहाँ पर होना। हाय, मेरा नाम है शारिब और आप देख रहे हैं कमाल के गैजेट। और आज के इस वीडियो में वेल नो प्राइस फॉर गेसिंग हम बात करेंगे ऑनर व्यू 20 के बारे में और जानेंगे कि क्या चीजें इसे बनाती हैं खास और क्या चीजें जो है वो इसे बनाती हैं नॉट सो खास। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कंसिडर करिए इसे सब्सक्राइब करने का, क्योंकि मैं लेकर के आता हूँ इसी तरह के टेक रिलेटेड वीडियोस। सो विद ऑल सेड एंड डन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको इस डिवाइस में देखने को मिलेगी जब ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। फिर अभी तक से हमें प्राइसिंग का अंदाज़ा नहीं है और मेरे अकॉर्डिंग ये फ़ोन जो है वो 30,000 या 35,000 के रेंज में ही लॉन्च होगा और ये सीधे सीधे कम्पीट करेगा वन प्लस 6T से। स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 6.4 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले पैनल। दो वेरिएशन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक आएगा 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल मेमोरी और दूसरा आएगा 8GB एंड 256GB वाले वेरिएंट में। कैमरा, जैसे कि मैंने बताया कि जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल वाला और इसकी जो एपर्चर साइज है वो है 1.8। और इसके अलावा जो दूसरा कैमरा है वो डेप्थ सेंसर की तरह काम करेगा और ये कैमरा जो है वो TOF 3D स्टीरियो कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि 3D में जो है वो इमेजेस वगैरह लेने में आपको हेल्प करेगी। अब जो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल वाला, ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल पे ही सेट किया हुआ है। सो आपको जो है वो इंटरनली जा करके इसको रेजोल्यूशन को जो है वो चेंज करना पड़ेगा अगर आप 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा यूज़ करना चाहते हैं। वीडियो यहाँ पर आप जो है वो 4K 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं और 720p जो है वो आप 960fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जायरो EIS आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, पैनोरामा LED फ्लैश यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और ये जो कैमरा है वो HDR इनेबल्ड है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 25 मेगापिक्सल का। एपर्चर साइज यहाँ पर आपको मिलती है f2.0, ये भी जो है वो HDR इनेबल्ड है और ये फुल HD 30fps पर रिकॉर्ड कर सकता है। प्रोसेसर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर हाई सिलिकन किरिन 980 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। किरिन 980 को ही हुआवे ने जो है वो पहले लॉन्च किया था iPhone XS और XS Max के रिलीज होने से पहले। लेकिन 7 नैनोमीटर वाला पहला प्रोसेसर जो है वो एप्पल ने अपने डिवाइस में दिया सबसे पहले अपने iPhone XS और XS Max में। वहाँ पर A12 बाइनिंग जो है वो 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड है। सो टेक्निकली 7 नैनोमीटर पे बेस्ड ये पहला प्रोसेसर है। GPU यहाँ पर आपको मिलती है माली G76 MP10। 4000 मिलियन पावर की एक बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और ये आता है एंड्रॉइड 9.0, मतलब एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स। क्लास एंड मेटल डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो अब बात करते हैं इसकी खास चीज़ों के बारे में, मतलब कि प्रोज। तो जो सबसे पहली बात है, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो है इसका लुक। वेल, ये दिखने में काफ़ी शानदार लगता है। मेटल एंड ग्लास का यहाँ पर आपको बिल्ड देखने को मिलता है और ये जो टेक्सचर आपको बैक साइड में देखने को मिलता है, दिस इज़ रियली ऑसम। इसके अलावा इसका जो स्क्रीन है वो भी दिखने में काफ़ी गॉर्जियस लगता है, एटलीस्ट मुझे पंच होल कैमरा की वजह से, क्योंकि इससे पहले जो है वो हमें नॉचेस देखने को मिलते थे और वो बहुत वियर्ड लगते थे। अलग अलग तरह के नॉचेस अभी तक से हमें देखने को मिले, जैसे और जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि एटलीस्ट जो सबसे अच्छा नॉच जो देखने को मिला वो वाटर ड्रॉप नॉच था। लेकिन अब ये जो पंच होल कैमरा जो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये जो है वो सबसे बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है एज ऑफ नाउ। लुक्स के अलावा यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस जो है वो किरिन 980 की वजह से काफ़ी शानदार है। वेल, किरिन 980 जो है वो हुआवे का है फ्लैगशिप प्रोसेसर, तो जैसे कि स्नैपड्रैगन 845 फिलहाल जो बना हुआ है स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर, और रिसेंटली ही स्नैपड्रैगन ने जो है वो 855 अपना लॉन्च किया है, वो भी 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड है। सो फिलहाल जो है वो हुआवे का फ्लैगशिप प्रोसेसर है और ये सीधे सीधे जो है वो कम्पीट करता है स्नैपड्रैगन 845 और स्नैपड्रैगन 855 के। तो परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन जो है वो काफ़ी कमाल की है। इसके अलावा चूंकि ये प्रोसेसर जो है वो 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, उसकी वजह से ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। एंड गेस व्हाट, क्योंकि यहाँ पर 4000 मिलियन पावर की आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और साथ ही साथ एक ऐसा प्रोसेसर है जो बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट है,
तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ग्रेट परफॉर्मेंस के साथ में मिलती है ग्रेट बैटरी लाइफ भी। फ्रंट में पंचुअल कैमरा होने की वजह से यहाँ पर जो आपको स्क्रीन रियल एस्टेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और जैसे कि मैंने बताया कि काफी खूबसूरत भी देखने को लगता है ये डिवाइस। कैमरा परफॉर्मेंस भी जो है वो इसका काफी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप इसे वन प्लस 60 से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि इसके कैमरा को वो स्लाइट एज है वन प्लस 60 के कंपेरिजन में, क्योंकि पोर्ट्रेट्स के एज डिटेक्शन वगैरह जो है वो आपको इस कैमरा में ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टिल अभी चूंकि इसकी प्राइस जो है वो अनाउंस नहीं हुई है, प्राइस अनाउंस होने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या इसका कैमरा जो है वो वाकई में प्राइस के कंपैरिजन में उतना अच्छा है या नहीं है। अगर ये 30-35 हज़ार की रेंज में रिलीज़ होता है और तब उसके कैमरे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वेल इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है। बैटरी की मैं बात कर रहा था तो जैसे कि मैंने बताया कि बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, ये एक तो एडेड एडवांटेज है ही है। प्लस यहाँ पर आपको एक 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर वाला आपको एक प्रोसेसर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है एक सुपर फास्ट चार्जर जो कि ऑलमोस्ट 20 वाट से लेकर के 40 वाट तक पे जो है वो काम करता है। मिल चुकी है एक IPS पैनल, लेकिन स्टिल यहाँ पर स्क्रीन जो है वो आपको काफ़ी ब्राइट देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है एक हेडफोन जैक, और यहाँ पर आपको साथ ही साथ मिल जाता है IR ब्लास्टर भी, जो कि अब जो धीरे धीरे करके जो है वो एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। वेल ये जितनी खूबियां मैंने अभी तक से बताई हैं मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है कि इस फ़ोन को जो है वो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ किसी को भी अगर इसकी प्राइसिंग जो है वो 30-35 हज़ार के रेंज में है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि कोई भी फ़ोन जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, सो अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। सबसे पहली बात कि अगर ये फ़ोन जो है वो 30 से 40 के बीच में अगर आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर IP रेटिंग जो है वो होनी चाहिए थी, जो कि इस फ़ोन से मिसिंग है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्रंट फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स देखने को नहीं मिलते, जो कि आपको पोको F1 जैसे डिवाइस में देखने को मिलता है। इवन आसूस 5 ज़ेनफोन 5Z में भी आपको ये फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स आपको देखने को मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स इनफैक्ट देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 30-35 हज़ार या 40 हज़ार के रेंज में अगर कोई फ़ोन आ रहा है तो उसमें IP रेटिंग और स्टीरियो स्पीकर जो है ये दोनों ही होने ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्सपेंडेबिलिटी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। वेल मुझे लगता है कि ये अपना अपना देखने का नज़रिया हो सकता है, कुछ लोगों को एक्सपेंडेबिलिटी चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर इंटरनल मेमोरी ही आपको स्टार्टिंग मिल रही है 128 GB से, तो मुझे लगता है कि अगर ये नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि कई लोगों को जो है एक्सपेंडेबिलिटी चाहिए होती है, इसीलिए इसे मैंने अपने कॉन में रखा है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है इसका जो लुक है ओवरऑल। हालांकि इन्होंने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है, पहले शायद ये सेंस UI कहलाता था, अब इसका नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया है मैजिक UI। लेकिन ऑनर जो है वो इसमें वही सारी चीज़ें जो है ब्लोटवेयर्स वगैरह यहाँ पर आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। ये कुछ कॉन्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बट ऑल इन ऑल जो है ये फ़ोन जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है अपने पंच होल कैमरा की वजह से, कैमरा परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी जनरल परफॉर्मेंस की वजह से, और अपने ग्रेट लुक्स की वजह से, और इवन बैटरी लाइफ की वजह से। इसके अलावा एक बात जो है वो मैं बताना भूल गया कि आप अपने डिवाइस को जो है वो आप टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए जो है वो आपको किसी तरह की वायर की ज़रूरत नहीं है जैसा कि हमें नोट 9 में देखने को मिला, और आपको किसी तरह सैमसंग डेक्स के तरह की कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है वो अपने डिवाइस को वहाँ रखना है, या फिर आपको वायर प्लग इन करना है यहाँ मोबाइल में, और एक जो है वो आप प्लग इन करेंगे अपने टीवी में, तभी जो है वो आप अपने मोबाइल के कंटेंट्स को जो है वो अपने टीवी में देख सकेंगे। सो मतलब कि जो भी आपका जो मोबाइल का एक्सपीरियंस है वो आप टोटली इंपोर्ट कर सकते हैं अपने टीवी में। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि हुआवे जो है वो इसे किस प्राइस पे इंडिया में लॉन्च करता है। 30,000 मुझे लगता है कि एक स्वीट स्पॉट होगा, और अगर इस प्राइस पे अगर इन्होंने इस फ़ोन को लॉन्च कर दिया तो मुझे लगता है कि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कमाल कर देगी। सो वेल ये थे मेरे व्यूज़ अबाउट ऑनर V20। क्या हैं आपके व्यूज़, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।